हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पता नहीं आज ईद का तीसरा दिन है अभी कि नहीं, लेकिन वी आर सेलिब्रेटिंग द थर्ड डे ऑफ ईद। और सुबह सुबह गर्मा गर्म धूप हमेशा की तरह, शायद दिन में मौसम बदल रहा है, लेकिन चलना शुरू करते हैं आज के दिन। और अभी कुछ काम है वो करते हैं, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। लेट्स सी। तो काम ये है कि इस पौधे में आपको घास नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। करना यही है कि इसमें से भी घास को निकाल, पता नहीं क्यों निकालना है, लेकिन निकालना। ये देखो आगे देखते हैं, बोलो घास निकला हुआ है और इधर भी है, देख सकते हैं यहाँ पर भी घास ही घास। लीमू भी तकरीबन तैयार होने वाले हैं। आ जा भाई, आ जा, आ जा। तो लीमू का फल भी निकलना शुरू हो गया और माल्टे भी जो है वो अब देख लें छोटे से साइज में आ चुके हैं। और इसी तरह अमरूद भी, इसका फल अभी बहुत छोटा है लेकिन ये भी निकला है। लेकिन आड़ू जो है वो अपना फल तो देता है लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाता, पता नहीं क्या वजह। आई एम नॉट श्योर। और ये रहा जामुन का फल जो कि निकलना शुरू हो चुका है। तो ये सारे काम सर अंजाम देने के लिए हमें टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए, जो कि है नहीं। तो अभी जा रहे हैं ताया बू के घर, वहाँ से आगे उठाएंगे सामान और फिर करेंगे काम। या लेट्स गो। तो हल्के हल्के बादल बता रहे हैं कि हम अभी इधर ही हैं। तो काम से ब्रेक कुछ देर के लिए और फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसन नियाज़ ब्लॉग्स। और एक बार फिर से आपके सामने मैं आ चुका हूँ। और आज का काम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, ईद गुजर चुकी है, क्या काम है ज़रा चलते हैं फिर आपको बता। तो सीन ये है कि यहाँ पे हम आए हुए हैं, इस जगह आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ से हमें कुछ खास काम है। क्या काम है देखते हैं, उधर सामने जाना है जी हमने, इधर तो यहाँ पे वाटर फ्लो है जी, पानी यहाँ से जा रहा है। और हम यहाँ एक ख़ास किस्म का पत्थर लेने आए हैं और उसी की तलाश में हम अभी घंटा पूरा लगाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पे नज़र तो नहीं आ जा। हाँ जो अब ये पता चलो